नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम को लेके एक अपडेट और आपके असाइनमेंट को लेके एक अपडेट के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ इग्नू से जो भी आती हैं आप लोगों को चैनल पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो जुलाई 2019 के स्टूडेंट हैं और जनवरी 2020 स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी आपके सवाल हैं, इसमें मैं उसके जवाब दूंगा और इसमें जो अपडेट्स है उसको भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम्स को लेके जो अपडेट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन चलती आ रही है अभी, बहुत सारे अपडेट पे अपडेट आते जा रहे हैं। एग्ज़ाम होंगे, प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, क्या है, बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जो चल रहे हैं अभी, कंटिन्यूसली चलते ही जा रहे हैं। कुछ दिन पहले UGC ने भी अपना एक प्रेस रिलीज आया था, उसने बोला था एक हफ्ते के अंदर हम अपना एक गाइडलाइन जारी करेंगे, अभी तक गाइडलाइन कोई जारी नहीं हुआ है। और इस कई सारे स्टेट जो हैं अभी अनाउंस कर चुके हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएंगे, जैसे कि राजस्थान सरकार ने अभी आज ही, अभी आज की अपडेट है ये, उन्होंने 10:30 बजे लगभग एक अनाउंसमेंट हुआ है उसमें कि राज्य सरकार ने इस संक्रमण को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। कि जैसा कि राजस्थान, ये अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट है, उस पर आप देख पा रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है। और ये उन्होंने UGPG एग्ज़ाम्स कैंसिल करने का, ये टू बी स्टूडेंट टू बी प्रमोटेड ये कहा है। और अरमिंदर सिंह जी ने अभी, कैप्टन अरमिंदर सिंह जी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी, वो भी कैंसलेशन के लिए, उन्होंने ऑल एग्ज़ाम्स के कैंसलेशन के लिए एक इनका प्रेस रिलीज आया है न्यूज़पेपर में। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अभी इन सब को भी UGC के गाइडलाइन का इंतज़ार है, तो आप भी थोड़ा सा इंतज़ार करो। अभी ना तो इग्नू की तरफ से कोई गाइडलाइन आई है, ना तो UGC ने अभी तक अपनी कोई गाइडलाइन दी है, तो सभी चीज़ों को अभी बस ऐसे ही देखते रहो आप। मेन जो अभी आने वाला है उसका जो UGC का गाइडलाइन, उसी के बेस पे सभी काम होने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस और रखो। अभी ये पैंडेमिक चली रही है तो बस मैं यही कहूँगा कि कहीं भी डाइवर्ट ना हो, बस अपना जस्ट वेट करते रहें। अब एक ही ऑप्शन है आपके पास और बस ये है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना समर्थन कर सकते हो कि मतलब ट्विटर पर जो भी ट्रेंड चला रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनको सपोर्ट करते रहिए अगर आप उनसे सहमत हैं तो। बस मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी आप इंतज़ार करते रहिए उनके UGC के गाइडलाइन का, और इग्नू के अगर स्टूडेंट हैं तो इग्नू के गाइडलाइन का। प्रमोट होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। और एग्ज़ाम फॉर्म के लेके एक बहुत ज़्यादा क्वेरी स्टूडेंट्स की है कि अगर प्रमोट ही हो जाएंगे तो हम एग्ज़ाम फ़ीस क्यों भरें। तो दोस्तों ये गलती मत करिएगा आप, एग्ज़ाम फ़ीस ज़रूर भरें, मैं यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है इग्नू में हर 6 मंथ बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना टर्म एंड एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टर्म को अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप एग्ज़ाम फ़ीस नहीं भरोगे तो यूनिवर्सिटी को अगर प्रमोट करने का जब भी अगर ऐसा प्रोविज़न बनेगा तो उसमें आपका अगर नाम नहीं रहेगा, जो कि टर्म एंड से लिया जाएगा एग्ज़ाम कि किन किन स्टूडेंट ने फ़ीस भरा है तो उनको प्रमोट कर दिया जाए, तो उसमें आपका नाम नहीं रहेगा तो आपको प्रमोट भी नहीं किया जाएगा, ऐसा वीक पॉइंट आपका बन सकता है। तो अपने तरफ से कोई वीक पॉइंट मत छोड़िए, ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 150 रुपीज़ है, आप फ़ीस भर दो, मे बी जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है तो आपको मान लिया जाएगा, फ़ीस नहीं भरेंगे तो आपको मान लिया जाएगा कि स्टूडेंट मे बी अगले टर्म में आने वाले में अटेम्प्ट करना चाहता है, इसमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। बात जून 2020 टर्म एंड एग्ज़ाम की हो रही है, जो अभी सेशन चल रहा है उसमें प्रमोट की बात हो रही है। आगे क्या होगा अभी किसी को कुछ नहीं पता, आगे में प्रमोट किए जाएंगे या एग्ज़ाम होगा कुछ नहीं, मे बी जहाँ तक है एग्ज़ाम ही होगा, क्योंकि मे बी हो सकता है जल्दी जल्दी ये सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए और सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए, तो आगे का कुछ नहीं पता अभी आप लोगों को। हमें भी अभी इस टर्नमेंट के बारे में भी अभी तक इवन कुछ नहीं पता है, तो एग्ज़ाम फीस आप भरो, इस कन्फ्यूजन में मत रहो आपकी एग्ज़ाम फीस क्यों भरें भी प्रमोट होंगे तो। ये बातें हो गई एग्ज़ाम को लेके। दोस्तों अगली बात आती है असाइनमेंट को लेके।
असाइनमेंट को लेकर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो जनवरी 2020 के स्टूडेंट हैं अभी उनको काफ़ी 80% स्टूडेंट को अभी तो उनका स्टडी मटेरियल ही नहीं मिला है। तो मैं स्टडी मटेरियल के छोटा अपडेट देना चाहूँगा, वो भी थोड़ा थोड़ा स्टडी मटेरियल भी सेंड हो रहा है अभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, प्रॉपर एकदम स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो उसमें स्टाफ की कमी की वजह से अभी आपको स्टडी मटेरियल नहीं भेजी जा रही हैं, और ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो जनवरी 2020 के स्टूडेंट है, वो जो सर्टिफिकेट और जो इनका आपका जो 6 महीने का प्रोग्राम वाले स्टूडेंट है, जैसे कि सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट है, BCA MCA वगैरह ये सब, उनको छोड़ के जो बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट है, जो इनका टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, उनका जो असाइनमेंट जमा होगा वो सितंबर में शुरू हो जाएगा। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर लगभग सभी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। असाइनमेंट का कहाँ से लेना है वो डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप ले लीजिएगा। तो वो अपना असाइनमेंट बनाना शुरू कर दें, इनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अपना असाइनमेंट बना लें, और ये गाइडलाइन का इंतजार करें कि सितंबर में किस तरह से वो असाइनमेंट एक्सेप्ट करने वाले हैं। सिचुएशन सब कुछ सही रहा तो आप बाय हैंड आप सबमिट कराओगे, अदरवाइज ऐसे ही चलने वाला है, आप स्कैन करके अपलोड करोगे उनके जो रीजनल सेंटर की जो भी गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आप अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दें सितंबर में। जो जनवरी 2020 के स्टूडेंट हैं, जो जिनका ईयरली प्रोग्राम है सेमेस्टर वाइज और सर्टिफिकेट को छोड़ के, डिप्लोमा हो गया, आपका मास्टर डिग्री हो गया, बैचलर डिग्री हो गया, इन सभी स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अपना असाइनमेंट बना के तैयार रखें और अपना असाइनमेंट जमा कराने के लिए अपना बना के अपने पास रखें। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ जून 2020 टर्म एंड एग्ज़ाम के जो असाइनमेंट के लिए जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट बना के अभी तक जमा करा चुके हैं और जमा करा रहे हैं। तो दोस्तों मैं उनके जो क्वेरी हैं कि बहुत सारी कि उनका असाइनमेंट के मार्क्स अभी तक नहीं लगे हुए हैं, बहुत परेशानी हो रही है उनको भी, बहुत दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए असाइनमेंट जमा कराए अभी तक मार्क्स नहीं लगे, तो मार्क्स दोस्तों लग जाएंगे अगस्त सितंबर तक, तो आपके मार्क्स लग ही जाएंगे, क्योंकि सितंबर में नया टर्म के लिए असाइनमेंट जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा यूनिवर्सिटी को भी। तो जल्द से जल्द मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाएंगे, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, थोड़ा 1-2 महीने 1 महीने और इंतज़ार करें। अगस्त में जहाँ तक उम्मीद है कि अगस्त से आपके ग्रेड कार्ड में मार्क्स लगने शुरू हो जाएंगे जून 2020 टर्म एंड के जो भी स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों बस ये था बताना आप लोगों को, तो कोई भी पैनिक हो, कोई भी आप मत होइए, अभी जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसका इंतज़ार करिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बस ये था, आगे आने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मैं इग्नू यूनिवर्सिटी से आने वाली आप लोगों को देता रहता हूँ। बस नमस्कार, धन्यवाद।